गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में आपको इंटरपोलेशन के बारे में बताया, उसमें जब हम एक्स की कुछ वैल्यूज़ दी हों तो एक्स की किसी वैल्यू के संगत एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम न्यूटन्स का फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करते थे। जब हमें शुरुआत के रूप में एक्स की वैल्यू के संगत एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हो, और जब पीछे की एक्स की वैल्यू के संगत एफ एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो हम न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन में जब एक्स की किसी जितने भी वैल्यूज़ दी हैं उनके मध्य की किसी एक एक्स की वैल्यू के संगत एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो हम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन की विधियों का प्रयोग करेंगे, जो कि गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन होती है, गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन होती है, स्टर्लिंग्स का फॉर्मूला होता है और बेसल्स का इंटरपोलेशन फॉर्मूला होता है। इनको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। अब गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि शेफर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, शेफर्ड के केंद्रीय अंतर संकारक वो क्या है, डेल्टा। पहला क्या है, ए जो है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसे हम इस वाले स्मॉल डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये केंद्रीय अंतर संकारक भी कहलाता है, इसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा, वो क्या है, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब हम इसको e की पावर हाफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ई एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर x प्लस एच बाई टू है, तो मतलब हाफ हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे e हाफ एफ एक्स माइनस e माइनस वन बाई टू एफ एक्स, और विच इज इक्वल टू ई वन बाई टू माइनस ई माइनस वन बाई टू, पावर में है ये, इंटू एफ एक्स। इट मीन्स हमारे पास जो डेल्टा है ऑपरेटर, उसकी वैल्यू किसके बराबर हुई, ई हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। तो ये हमारा केंद्रीय अंतर संकारक या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। अब ये फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है, डेल्टा एफ एक्स। इसी तरह से हम सेकंड डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स, डेल्टा क्यूब एफ एक्स एंड इस तरह से निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था। अब हम सेकंड यूज़ करते हैं, बी सेकंड क्या है हमारे पास, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, और इसे हम औसत संकारक भी बोलते हैं हिंदी में। इसकी डेफिनेशन है म्यू एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू। अब डेल्टा और म्यू में क्या फ़र्क है, डेल्टा में यहाँ पर प्लस माइनस आता है और साथ में हाफ नहीं आता है। अब हम इसी तरह से इसको ई में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो म्यू फंक्शन ऑफ एक्स, म्यू फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू ई की पावर हाफ एफ एक्स प्लस ई की पावर माइनस हाफ एफ एक्स, और म्यू इक्वल टू कितना आया हमारे पास, वन बाई टू ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। इस तरह से हमारे पास एक डेल्टा की डेफिनेशन आया, एक म्यू की आया। अब हम एक तीसरा लेते हैं, सेंट्रल सम ऑपरेटर।
सेंट्रल सम ऑपरेटर, इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये है केंद्रीय योग संकारक। अब इसको हम केंद्रीय योग संकारक को हम इनवर्स ऑफ डेल्टा भी कहते हैं। मींस फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू और विच इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा फंक्शन ऑफ एक्स और सिग्मा इंटू डेल्टा इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास तीन ऑपरेटर्स हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स। अब इन ऑपरेटर्स को आप, इनके रिलेशंस भी होते हैं जिसे आप रिलेशंस बिटवीन द ऑपरेटर ई डेल्टा नेबला डेल्टा म्यू एंड सिग्मा, कुछ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे और नहीं आए तो मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में जाकर। डेल्टा तथा स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू दिस डेल्टा में संबंध क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू ई माइनस हाफ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस हाफ, मतलब यहाँ पर क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। सेकंड है हमारे पास डेल्टा तथा नेबला में संबंध, वो क्या है? डेल्टा इक्वल टू ई की पावर हाफ नेबला इज इक्वल टू नेबला ई की पावर हाफ, इसमें भी क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। देन म्यू डेल्टा एंड ई में संबंध, म्यू इंटू डेल्टा इक्वल टू वन अपॉन टू डेल्टा प्लस डेल्टा ई इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू डेल्टा प्लस नेबला। फोर्थ है सिग्मा तथा ई में संबंध, तो सिग्मा इक्वल टू ई की पावर हाफ अपॉन ई की पावर माइनस वन। अब मैंने आपको इतने सारे संबंध दिए हैं, इन सब संबंधों को आप सारी सबकी डेफिनेशन दे दिए, तो इनको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड लेकर के सिंप्लीफाई करके और इनको निकालिए। नाउ नेक्स्ट, अब हम करेंगे गॉस का सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जिसे हम हिंदी में कहेंगे गॉस अग्र अंतर्वेशन सूत्र। फॉर्मूला लिखेंगे हम सबसे पहले और फिर उसको हम प्रूव करेंगे। फॉर्मूला है वाई यू इज इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0 प्लस u इंटू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यूब y माइनस वन प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल
सॉरी फैक्टोरियल 4 इंटू डेल्टा 4 वाई माइनस 2 प्लस यू यू स्क्वायर माइनस 1 यू स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 डेल्टा 5 वाई माइनस 2 एंड सो ऑन। इसी तरह से जहाँ पर कि u इक्वल टू है x माइनस एक्स जीरो बाई एच। अब हम हमारे पास u क्या है, u इज फंक्शन सॉरी सपोज f ऑफ u इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल u, जहाँ u इक्वल टू ये है इसे ही हमने लिखा है पहले ही। अब हम u के एक समान अंतराल के मान ले लें इकाई संख्या वाले, जो कि सपोज हमने मान लिए यहाँ पर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एफ एक्स के क्या मान लिए, यहाँ पर एफ ऑफ माइनस 3 कोमा एफ ऑफ माइनस 2 कोमा एफ ऑफ माइनस 1 कोमा यहाँ 0 भी आएगा कोमा एफ ऑफ 0 कोमा एफ ऑफ 1 कोमा एफ ऑफ 2 कोमा एफ ऑफ 3। इस तरह से हम जितनी एक्स की वैल्यूज दी है उन्हीं के संगत हमको एफ एक्स की वैल्यू भी दी होती है। तो अब हम इसको न्यूटन ग्रेगोरी के फॉर्मूले से प्रूव करेंगे, सॉरी ये यहाँ से हमने प्रूफ शुरू किया। माना कि एफ यू हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वेरिएबल यू का फंक्शन है। अब एक्स की वैल्यूज हमारे पास सपोज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 अप टू 1 2 3 आगे जितनी भी आएंगी उतनी हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एफ ऑफ माइनस 3 एफ ऑफ माइनस 2 एंड सो ऑन है। तो अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूला लिखेंगे। न्यूटन ग्रेगोरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र, अग्र अंतर सूत्र भी लिख सकते हैं इसे हम, अंतर सूत्र के अनुसार एफ ऑफ यू इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ जीरो प्लस एंड सो ऑन प्लस बीच की टर्म लिख दें यू सी आर डेल्टा आर एफ जीरो एंड सो ऑन, जितनी भी टर्म्स आती हैं उतनी। अब हम जानते हैं डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा ऑफ एफ ऑफ माइनस वन। अब डेल्टा की डेफिनेशन अगर हम अंदर लगाएं तो ये होगा डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो, एक इसमें जोड़ेंगे और एक घटाएंगे वापस वहीं लिखेंगे तो एफ ऑफ माइनस वन, तो विच इज़ इक्वल टू कितना हुआ डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन। अब हम यहाँ से हमको शुरू की दो टर्म सेम रखनी है और डेल्टा स्क्वायर जीरो में हमें फिट करना है, तो ये डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो को लाने के लिए हम क्या करेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ जीरो इक्वल टू ये डेल्टा क्यूब और ये डेल्टा स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस वन। इस वाली टर्म को हम इधर ले गए तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब ये वाली जो टर्म है इसी तरह से हम बाकी टर्म्स को यूज़ करते हुए इनका निकालेंगे। पहले हमारे पास जो न्यूटन का फॉर्मूला है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम डेल्टा क्यूब एफ जीरो निकालेंगे
तो वो आ जाएगा डेल्टा क्यूब, यहाँ स्क्वायर एफ जीरो था इस, तो स्क्वायर एफ माइनस वन आ गया, तो डेल्टा एफ क्यूब, डेल्टा एफ माइनस वन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्योंकि एक बढ़ गया है तो यहाँ पर डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन आ जाएगा। डेल्टा फोर एफ ऑफ जीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा फाइव एफ ऑफ माइनस वन। इसी तरह से अगर हम एन आर एस टर्म तक लिखें तो डेल्टा आर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू डेल्टा आर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा आर प्लस वन एफ ऑफ माइनस वन एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लिखते चले जाएंगे। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन मानों को, ये जितने भी मान हैं उनको इस इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे। कहाँ से, ये दो टर्म छोड़ने के बाद डेल्टा स्क्वायर से हम यहाँ से हम ये वैल्यूज़ इसमें रखेंगे। तो जब हम इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो हमारे पास, मैं लिख देती हूँ, इन मानों को इक्वेशन वन में रखने पर तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगी, एफ ऑफ यू इक्वल टू एफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ जीरो। शुरू की दो टर्म हमें वही लिखनी है, उसके बाद दूसरी टर्म में हमें जो हमने अभी डेफिनेशन निकाली थी उसे रखेंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन प्लस यू सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन प्लस डेल्टा फोर एफ माइनस वन प्लस यू सी फोर डेल्टा फोर एफ माइनस वन प्लस डेल्टा फाइव एफ माइनस वन प्लस एंड प्लस यू सी आर डेल्टा आर एफ माइनस वन प्लस डेल्टा आर प्लस वन एफ माइनस वन। अब ये हमारे पास हुई इतनी टर्म्स। अब इसमें फिर से हम दोबारा से ये दो टर्म छोड़ी थी, फिर से ये दो टर्म छोड़ के हम डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर डेल्टा क्यूब की वैल्यू, यहाँ दो जगह है तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो हम इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एफ जीरो ये वाली टर्म आ गई प्लस यू सी वन डेल्टा एफ जीरो ये वाली टर्म आ गई प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन, ये डेल्टा स्क्वायर की एक ही टर्म है। अब डेल्टा क्यूब की हमारे पास दो टर्म है, एक तो ये और एक ये, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे प्लस यू सी टू प्लस यू सी थ्री इंटू डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस वन प्लस यू सी थ्री प्लस यू सी फोर, यहाँ से ये डेल्टा फोर की टर्म यू सी थ्री हमने लिया और यहाँ से ये यू सी फोर, इसको इकट्ठा किया हमने और हमने लिखा डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन प्लस, इसी तरह से हम आरथ टर्म को लिख लेंगे यू सी आर प्लस यू सी आर प्लस वन इंटू डेल्टा आर प्लस वन एफ ऑफ माइनस वन। ये देखिए यहाँ पर आर लिखा है तो यहाँ आर प्लस वन है, यहाँ टू है तो यहाँ थ्री है, इसी तरह से यहाँ आर है तो यहाँ पर आर प्लस वन आएगा एंड सो ऑन। और इसको मैं फिर से सिंप्लीफाई करूँ तो ये हमारे पास आएगा एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस यू प्लस वन सी आर प्लस वन डेल्टा आर प्लस वन एफ ऑफ माइनस वन। ये हमारी हुई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दोबारा से पुनः अब हम क्या करेंगे, डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू
डेल्टा क्यूब एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस टू जो हमने फर्स्ट किया था उसी तरह से हम इसको करेंगे और हम फिर इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम आगे डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा सॉरी प्लस डेल्टा फोर एफ ऑफ सॉरी डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव एफ ऑफ माइनस टू इस तरह से इत्यादि हम सारी टर्म्स लिखेंगे। तो अब इन मानों को समीकरण तीन में रखने पर समीकरण तीन कौन सी है ये वाली, तो ये जो समीकरण हमने निकाली है इक्वल टू दिस, इसमें हम इन मानों को रखेंगे जो हमने निकाले हैं। तो ये हमारे पास होंगे एफ ऑफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर एफ माइनस टू प्लस डेल्टा फाइव एफ माइनस टू प्लस एंड सो ऑन। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे मैं इसको अलग अलग कलर ले रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। एफ ऑफ ज़ीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ज़ीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ माइनस वन प्लस u प्लस वन सी फोर डेल्टा फोर एफ माइनस टू, इसको हम सिंप्लीफाई करके और लिखेंगे प्लस प्लस एंड सो ऑन। u प्लस आर माइनस वन सी ट्वाइस आर माइनस वन डेल्टा ट्वाइस आर माइनस वन एफ ऑफ माइनस आर प्लस वन प्लस u प्लस आर माइनस वन सी ट्वाइस आर डेल्टा ट्वाइस आर f ऑफ माइनस आर। ठीक है, तो इन सब को हम सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई करके हम इसको लिखें। तो हम सिंप्लीफाई करके जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा इज इक्वल टू f ऑफ u इक्वल टू f ऑफ ज़ीरो प्लस u डेल्टा f ज़ीरो प्लस u इंटू u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ माइनस वन प्लस u इंटू u स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा u u माइनस वन और u प्लस वन, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस वन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब f ऑफ माइनस वन प्लस u u स्क्वायर माइनस वन u माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फैक्टोरियल फाइव इंटू डेल्टा फाइव एफ ऑफ माइनस
टू। इसी तरह से हम आगे जो भी टर्म हमको चाहिए होगी, यहाँ पर u प्लस टू है तो अगली बार u माइनस थ्री आ जाएगा, फिर u प्लस थ्री आ जाएगा, इसी तरह से टर्म्स हमारी आती चली जाएंगी। और यही हमारा गॉस का फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। अब इस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूले को हम निम्न रूप में भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, y ऑफ u इक्वल टू y जीरो प्लस u डेल्टा y ज़ीरो प्लस u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर y माइनस वन प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब y माइनस वन प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू डेल्टा फोर वाई माइनस टू प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फाइव डेल्टा फाइव वाई माइनस टू एंड सो ऑन। इसे ही हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं। अब इस फॉर्मूले से जो भी हमें सवाल दिया हो उनकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में जितनी भी वैल्यूज आएंगी आगे उतने लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर एक्स वाई डेल्टा स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब वाई डेल्टा फोर वाई डेल्टा फाइव वाई, मैं आपको सिक्स तक लिख के दिखा रही हूँ, डेल्टा सिक्स वाई एंड सो ऑन। अब इनको हम यहाँ पर हम लिखेंगे, नेगेटिव से शुरू करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू सॉरी एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इस तरह से जितनी भी वैल्यू दी हुई हो जिसमें एक हमको सेंट्रल वैल्यू जो हमको मानी है जिसके आसपास हमें निकालना है, उसे हमें एक्स को ज़ीरो फिर वन टू थ्री, यू हमको फिर ज़ीरो वन माइनस टू इस तरह से मानना है। तो यहाँ पर हम इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन वाई ज़ीरो वाई वन वाई टू एंड वाई थ्री। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा वाई माइनस थ्री, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा वाई माइनस टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा डेल्टा वाई माइनस वन, फिर इसी तरह से डेल्टा वाई ज़ीरो फिर डेल्टा वाई वन और यहाँ पर डेल्टा वाई टू, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस थ्री डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस टू फिर डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन डेल्टा स्क्वायर वाई ज़ीरो एंड डेल्टा स्क्वायर वाई वन। आपको इन दोनों के बीच में ये सेंटर में लिखना है, मेरे पास इधर जगह नहीं है, ये टेबल यहीं ख़त्म हो रही है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ पर इन दोनों के बीच में या नीचे डिस्टर्ब हो रहा है, आपको इसी तरह से सेंटर में लिखना है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ लिखेंगे डेल्टा क्यूब वाई माइनस थ्री डेल्टा क्यूब वाई माइनस टू डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन डेल्टा क्यूब वाई ज़ीरो, फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा फोर वाई माइनस थ्री फिर इन दोनों में से डेल्टा फोर वाई माइनस टू फिर यहाँ पर डेल्टा फोर वाई माइनस वन फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा फोर सॉरी
यहाँ पर आएगा डेल्टा फाइव वाई माइनस थ्री, फिर डेल्टा फाइव वाई माइनस टू, फिर यहाँ पर आएगा डेल्टा सिक्स वाई माइनस थ्री। अब हमको फॉर्मूले में कैसे याद रखना है कि जैसे फर्स्ट टर्म वाई जीरो की है हमारी, तो वाई जीरो का जो कोफिशेंट है वन है, फिर हमारे पास डेल्टा वाई जीरो का कोफिशेंट्स क्या है हमारे पास यू, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो का कोफिशेंट या डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन का कोफिशेंट क्या है हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन का हमारे पास कोफिशेंट है यू इंटू यू माइनस वन। इसी तरह से सारे कोफिशेंट्स हमने यहाँ से याद कर लेंगे आप एक के बाद, पहले पहले वन आएगा, फिर यू में से एक माइनस करना है, फिर यू में से एक प्लस करना है, फिर यू में से एक दो माइनस करना है, और इसी तरह से आप करते चले जाएंगे। मैं भी लिखती हूँ इधर, पहले ये समझा दूँ आपको। तो यहाँ पर पहली जो टर्म है ये सेंट्रल टर्म है एक्स वाई जीरो, तो पहली जो टर्म है हमारी ये आएगी वाई जीरो, इसके बाद में डेल्टा वाई जीरो ऐसे ये नीचे आएगा, इसके बाद में डेल्टा वाई माइनस वन ये ऐसे ये वाली टर्म आएगी ये, फिर ये, इसके बाद में हमारे पास कौन सी टर्म आएगी डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन, फिर ये नीचे हमारे पास, मतलब हम जिग जैग चलेंगे इसमें, ये आ गया, इसके बाद में डेल्टा फोर वाई माइनस टू तो ये वाला आया हमारे पास दिस, फिर डेल्टा फाइव वाई माइनस टू ये आएगा हमारे पास दिस, और इसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म आएगी ये। तो इस तरह से जितनी भी टर्म्स आएगी उसको हम इस तरह से लेंगे, और यहाँ पर डेल्टा क्यूब वाई माइनस वन का कोफिशेंस कौन सा आ जाएगा यू, यू माइनस वन इंटू यू प्लस वन, फिर डेल्टा फोर वाई माइनस टू का कोफिशेंट क्या आ जाएगा यू, यू माइनस वन यू प्लस वन इंटू यू माइनस टू, फिर डेल्टा फाइव वाई माइनस टू का कोफिशेंस क्या आ जाएगा यू, इन दोनों को इकट्ठा कर दूँ मैं यू स्क्वायर माइनस वन, और ये यहाँ पर u माइनस टू इंटू यू प्लस टू। तो इस तरह से हमको ये फॉर्मूला याद करना है कि y ज़ीरो, फिर ये दो टर्म तो ज़ीरो में आएगी, फिर इसके बाद में ये दो टर्म माइनस वन में आएगी, फिर ये दो टर्म माइनस टू में आएगी, इस तरह से आगे हमारी चलती चली जाएगी। तो इस तरह से आप गॉस के फॉर्मूले को में जो भी वैल्यू दिए उनको इस तरह से लिखेंगे और उसको हल करेंगे। मैं आपको इसको आगे बताऊँगी, यहाँ तक आज के लिए ये इतना आप पढ़िए, उसके बाद आगे जो भी चीज़ आपको पूछनी है मुझे कमेंट्स करके पूछिए। थैंक यू।